ये ओछी हरकतें करना बंद कीजिए, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद आरोप है। सबूत हो तो दिखाए, तारीफ में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। अगर ईडी को कुछ भी मिलेगा तो वो शोर मचाएगी, अखबारों में आएगा, आज तक कुछ भी अखबारों में नहीं आया है। ये बहुत बौखलाए और डरे हुए हैं, इन्हें पता है कि अब हम 2024 का चुनाव हार रहे हैं। मोदी को 2024 में अपनी हार दिखाई दे रही है, उसके लिए विरोधियों को जेल में डाला जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर भी उसकी हार तय है। ये 2024 के चुनाव का टारगेट कर रहे हैं ताकि हमारे नेताओं को अंदर कर सके और अपनी बीजेपी को इस सत्ता में ला सके। जितना दबाएंगे उतना पावर से बाहर आएंगे। बीजेपी ने अपना भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, दूसरों का भ्रष्टाचार उनको दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या तानाशाही है? ये बीजेपी की सरासर तानाशाही है। संजय सिंह वो आवाज है पूरे हिंदुस्तान की, जिन्होंने आंखें डालकर नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। घोटाले कर रहे हैं तो अडानी के इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं, उस समय क्या इनके आंखों पर पट्टी बन जाती है? नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगता है कि तानाशाही से वो हिंदुस्तान चला सकते हैं? ऐसा कभी होने वाला नहीं। मोदी के खिलाफ हम चाह रहे हैं कि वो संजय सिंह को रिहा करें, तो उन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे। ये जो गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल गलत हुई है और ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। अगर आपने हमारे से लड़ाई भी लड़नी है तो चुनाव के मैदान में आगे लड़िए। हमारे को चुनाव में हमारी आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को आप चुनाव मैदान में लड़के दिखाइए। ये ओछी हरकतें करना बंद कीजिए, हमारे को चुनावी मैदान में लड़के दिखाइए और हमें हरा के ऊपर तो शराब के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद आरोप है, सबूत हो तो दिखाएं। ऐसे ही अब तक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। अगर ईडी को कुछ भी मिलेगा तो वो शोर मचाएगी, अखबारों में आएगा, आज तक कुछ भी अखबारों में नहीं आया है। अब इन्होंने हमारे बड़े बड़े नेताओं को 2024 के चुनाव से पहले गिरफ्तार शुरू करना शुरू कर दिया है। ये बहुत बौखलाए और डरे हुए हैं, इन्हें पता है कि अब हम 2024 का चुनाव हार रहे हैं। सरकार तो अपना काम कर रही है ना, सरकार तो अपना काम कर रही है, न्याय करवा रही है। सरकार अपना काम नहीं है, जिस तरह से मोदी को 2024 में अपनी हार दिखाई दे रही है, उसके लिए विरोधियों को जेल में डाला जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर भी उसकी हार तय है। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। लिख के ले लो, 2024 में मोदी ही आएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं आएंगे, जनता से बढ़ के है क्या मोदी जी? जनता का जब काम नहीं करेंगे तो मोदी जी क्यों जीतेंगे? बिल्कुल नहीं जीतेंगे। जैसे कि संजय सिंह पे तो आरोप लगे हैं ना शराब के घोटाले के, तभी तो गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह पे कोई इल्जाम नहीं है, ईडी ने थोड़ी देर पहले ही उनको लेटर लिख के माफी ईडी ने मांगा है, इसलिए संजय सिंह पे कोई गलती नहीं है। सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार तो अपना काम कर रही है। सरकार अपने विरोधियों को फंसा रही है, सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए उनको क्यों नहीं फंसा रही है? सरकार विरोधियों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। आपके हिसाब से आपको लग रहा है मोदी डर गए हैं? आपके हिसाब से आपको लग रहा है मोदी डर गए हैं तभी वो ऐसे काम करवा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो विरोधियों को परेशान किया जा रहा है और कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ जुल्म किया जा रहा है और कुछ नहीं है, विरोधी को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पूरे नारेबाजी करी जा रही है ताकि जैसे कि आप देख सकते हैं हमसे बात करेंगे। क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? संजय सिंह को रिहा करो, रिहा किया जाए, बेगुनाह है वो बिल्कुल। लेकिन सरकार तो अपना काम कर रही है ना, सरकार तो चाहती है कि आम आदमी खत्म हो जाए। यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी नारेबाजी चल रही है और कहा जा रहा है कि संजय सिंह को रिहा कर दिया जाए, और ये मोदी सही जो तानाशाही चला रही है इसको कम करें, तो उसी को लेके हम बात करेंगे। मोदी सरकार ने संजय को गिरफ्तार करा लिया गया। देखिए ये सब बीजेपी डर के मारे हमारे नेताओं को अरेस्ट कर रही है ईडी का डर दिखा के, जबकि हमारी सरकार बिल्कुल ईमानदार है। ये 2024 के चुनाव का टारगेट कर रहे हैं ताकि हमारे नेताओं को अंदर कर सके और अपनी बीजेपी को इस सत्ता में ला सके। पर मोदी जी क्यों डरेंगे? अरे भैया अडानी सबका इन्होंने कर्जा माफ कर दिया, हमारा ही पैसा तो है जनता का, उसकी कहीं सुनवाई है? क्योंकि हम ये क्वेश्चन उनसे कर रहे हैं इसीलिए तो डर रहे हैं। 56 इंच का सीना है मोदी, बस वो दिखाने का है बहन जी,
वो बस सब दिखाने का है, सबके पास 56 इंच का चित्रा है। उनके ऊपर तो शराब के घोटाले का आरोप है ना, तभी तो गिरफ्तार किया गया है। शराब का घोटाला एक का नहीं होता है, एक पूरी कमेटी होती है जो कि फाइल हर अफसर के पास से गुजरती है, तो इसमें एक आदमी दोषी नहीं है, एलजी भी दोषी है। ठीक है, आपके पार्टी के 3 नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब तो आपकी पार्टी कमजोर होने पड़ जाएगी ना? बिल्कुल कमजोर नहीं हो रही है, और मजबूत हो रही है, कमजोर नजर आ रही है। जितना दबाएंगे उतना पावर से बाहर आएंगे। अंदाजा लगा लीजिए कि पार्टी कमजोर नहीं हो रही। केजरीवाल के बाद सबसे बड़ा चेहरा संजय सिंह का था, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उससे आपको लग रहा पार्टी कमजोर हो रही है? आप ये सारा हुजूम देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि पार्टी और ज्यादा मजबूत हो रही है। वो तो हमारी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये सब करके उनकी बौखलाहट नजर आ रही है, तो हमारी तो पार्टी का प्रचार हो रहा है। पर सरकार तो न्याय कर रही है ना? सरकार क्या कर रही, न्याय कर रही है, ये सबको बीजेपी ने तो न्याय कभी किया ही नहीं, किसके साथ अब कर रही है ना? अब कर रही है ना? अब न्याय कर रही है, क्या न्याय कर रही है? तो ये घोटाले में जो लोग हैं उनको पकड़वा रही है, ये न्याय हो रहा है? उन्हें पता भी है घोटाला हुआ है क्या नहीं हुआ है? पता लगा है उनको मैडम? ब्रजभूषण पार्टी की, जो ब्रजभूषण की पार्टी है, वो कभी महिलाओं के साथ न्याय करती है, कभी खिलाड़ियों के साथ न्याय करती है, किसानों के साथ न्याय करती है, कभी मजदूरों के साथ न्याय करती है, कभी जवानों के साथ न्याय करती है, ऐसे ही हमारे नेताओं के साथ भी न्याय नहीं कर पा रही। बीजेपी ने भ्रष्टाचार कम कर दिया है, बीजेपी ने अपना भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता, दूसरों का भ्रष्टाचार उनको दिखाई दे रहा है। अपना भ्रष्टाचार कितना है? विश्व शर्मा कौन है? 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं ना, ये सब घोटाले पकड़वा के अपना। अच्छी बात है ना, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचारी उनके वो धुले हुए सारे बेईमान और वो साहूकार हैं। आपको नहीं लग रहा इस तरीके से आपकी पार्टी कमजोर हो रही है? बिल्कुल पार्टी कमजोर नहीं हो रही, पार्टी बहुत मजबूती के साथ और उभर रही है। लोगों को पता लग रहा है कि बीजेपी किस तरह से लोगों का किस तरह दबा रही है, किस तरह से उनका अत्याचार कर रही है। बीजेपी का वॉशिंग पाउडर सुना है ना, उनके जितने भी नेता है कितना भी वो भ्रष्टाचार कर ले, कभी नहीं ईडी आती है। घरों में पैसे पकड़े जा रहे हैं तब भी ईडी नहीं आती, क्योंकि वो बीजेपी में है, लेकिन वो अन्य पार्टी में है तो वो ईडी भेज के उनको गिरफ्तार कराते हैं। तो इसको क्या तानाशाही है? ये बीजेपी की सरासर तानाशाही है कि और सरकारों को सर्वाइव नहीं कर रही। बीजेपी तो न्याय करवा रही है, किसके साथ? किसके साथ न्याय करवा रही है आप बताएं? न्यूज क्लिक के 2 पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं, उनके ऊपर भी तो आरोप, कोई आरोप नहीं, सब झूठे हैं, सबको झूठा है, एक कहानी बनाई जा रही है और कुछ नहीं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जनता आक्रोश जता रही है कि संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाए और उनको वापस लाया जाए, और जो ये मोदी जी जो तानाशाही कर रही है इसको बंद किया जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी नारेबाजी चल रही है कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, वी मिस यू मनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी जनता नारेबाजी कर रही है कि बीजेपी हाय हाय, लोकतंत्र को बचाओ। तो उसी को लेके हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जो संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया उस पर आप क्या बोलेंगे? तानाशाही चल रही है नरेंद्र मोदी जी के चाहने के दिन आ गए हैं, इसलिए ईमानदार नेताओं को झूठे के समय फंसाया जा रहा है। संजय सिंह वो आवाज है पूरे हिंदुस्तान की जिन्होंने आंखें डालकर नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है, अडानी के घोटालों को खोला है। तो संजय सिंह के अलावा इनको कोई विपक्ष में ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा है जो इतना प्रखर रूप से नरेंद्र मोदी का विरोध कर पाए इस षड्यंत्र में। जैसे कि लेकिन नरेंद्र मोदी तो अपना काम कर रहे हैं ना, जो लोग घोटाले कर रहे हैं उनको पकड़वा रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। तो अडानी के इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं, उस समय क्या इनके आंखों पर पट्टी बन जाती है? और कोई घोटाला नहीं है, 15 महीने हो गए इनका। शराब के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। शराब जैसा कोई शराब का कोई घोटाला हुआ ही नहीं है 15 महीने में, जो एक बीच कहीं से एक पैसे की ये रिकवरी नहीं कर पाए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी इनके ऊपर नजर बनाए हुए है। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को ऐसा लगता है कि तानाशाही से वो हिंदुस्तान चला सकते हैं, ऐसा कभी होने वाला नहीं। जैसे कि केजरीवाल के पास सबसे बड़ा चेहरा संजय सिंह का था, तो अब आपकी पार्टी में कमजोरी नहीं आ जाएगी? नहीं, देखिए हमारे एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता हमारे यहाँ एक चंद्रशेखर की तरह है, और निश्चित तौर पर संजय जी एक बहुत बड़ा चेहरा हमारे रहे हैं, लेकिन सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि हमारे नेता को रिहा नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं और नारे
करेगी। तो इसी के विरोध जा रहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी को बर्खास्त किया जाए। तो हमारे साथ बने रहिए आगे की जानकारी के लिए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं